नमस्कार, वंदे भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर विवेकानंद मुखबधिर आश्रम में भारत विकास परिषद के द्वारा विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। भारत विकास परिषद का पूर्व में नाम सिक्योर काउंसिल ऑफ इंडिया था। सन 1963 में डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी के नेतृत्व में इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिवस के अवसर पर शुरुआत हुई और इसी दिन इसका नाम सिविल काउंसिल ऑफ इंडिया से बदलकर भारत विकास परिषद रखा गया, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज में पीड़ित मानवता का सहायता काम करना, राष्ट्रीय उद्देश्यों को लेकर स्वामी विवेकानंद जी के बाद बताए हुए मार्गों का अनुसरण करते हुए और बच्चों में संस्कार, सेवा, सहयोग, समाज के लिए पांच मेन ध्रुव को लेके हुए सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ के काम करने का उद्देश्य है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।